अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ पास्ता। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। एंड जो मैक एंड चीज़ के दीवाने हैं ना, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी, तेल, बटर कुछ भी जो चाहे वो डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, सिर्फ थोड़ा सा डालना है सिर्फ इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि याद रखिए चीज़ ही पास्ता है, मैक एंड चीज़ वाला, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड पास्ता, मैक्रोनी, जो भी आपके पास हो वो डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने 1 कप लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसमें डालेंगे हम आधा कप दूध, और आधा कप दूध डालने के बाद इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे। साथ में डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, ओरिगानो एंड सॉल्ट। सॉल्ट कम ही डालेंगे क्योंकि लास्ट में हमें चीज़ डालना है जो कि सॉल्टी होता है। तो ये सब डाल के मिक्स कर देंगे, और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका दूध जो है वो सब ड्राई नहीं हो जाता। और मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। जैसे ही दूध ड्राई हो जाएगा, देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे ड्राई होने में, तो ये ड्राई हो चुका है। और बीच बीच में से चलाते भी रहना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें चीज़। चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास चीज़ स्प्रेड था, मैंने वो डाल दिया है। आप इसमें चीज़ क्यूब भी डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप डाल दीजिए एंड मिक्स कर दीजिए। बाद में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, या फिर आप स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। और बस आपका चीज़ी पास्ता बनके तैयार है। इसे सर्व करेंगे और ऊपर से गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। तो बहुत ही यम्मी लगता है एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो एक तरह का मैक एंड चीज़ ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ हमने इसमें चीज़ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाला है। तो कैसा लगा कमेंट कर